सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने कार्य में व्यस्त होंगे। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार पुनः से SP जौनपुरी ब्लॉग्स में मोलधार की हसीन वादियों से। आज हूं मैं अपने घर पर, और घर पर क्या कर रहा हूं? आराम कर रहा हूं। जैसा कि आपने देखा, कल मैं जो हूँ अपना छान में गया हुआ था कुछ काम वाम करने के लिए, पुस्ता चीनने के लिए। जो पुस्ता ढह रखा था वो मैंने कल जो है चीना था, तो उससे जो है काफ़ी मैं थक चुका था। मतलब मैंने काफ़ी लंबे समय बाद ऐसा हार्ड वर्क किया, और हार्ड वर्क करने से जो है मेरी पूरी मांसपेशियाँ और नसें जो है पूरी तरह से खिंच चुकी है, तो उनमें आज दर्द हो रहा है। और इसलिए मैं जो हूँ आज आराम का काम कर रहा हूँ, और आराम का काम मतलब घर में जो है गेहूँ सुखाने का, और जो मिर्च वगैरह हैं, दालें हैं, उनको सुखाने का काम कर रहा हूँ। और घर में जो बरामदे में अपने सोफे के ऊपर अभी बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पर बहुत सी मतलब मेरे को याद भी आ रही है, और मैं आपके साथ उन यादों को भी आज साझा करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ मुझे किस चीज़ की याद आ रही है और क्यों आ रही है, वो भी बताऊँगा। तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों, और अपना प्यार देते रहिएगा। गेहूँ और दालें मिर्च सब जो है आज सुखाने के लिए रखी है। ये सामने कुछ मिर्च जो है सूख रही हैं, और ये गेहूँ सूख रहे हैं, और कुछ पीछे मैंने दिखाया आपको मतलब चौक में भी कुछ सूख रहे हैं, और ये आसपास का नज़ारा है। आसमान काफ़ी साफ है आज। अब जब आदमी बैठा हुआ रहता है, जैसे मैं आज घर पर बैठा हुआ हूँ, और काफ़ी सारी जो है मुझे भी यादें आ रही है, और मतलब जब आदमी खाली जो है बैठा हुआ रहता है तो उसे यादें ज़्यादा आती है, उसके दिमाग में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। तो ऐसा ही जो है मेरा भी कुछ दिमाग में आज चल रहा है, मतलब याद आ रही है किसी की, और वो याद किसकी आ रही है मुझे? अपने पूज्य पिताजी की, जो हमारे बीच में आज नहीं है, उन्हीं की याद आ रही है। क्योंकि जो काम मैं आज यहाँ पर बैठ के कर रहा हूँ, जैसे मतलब गेहूँ सुखाना, ये बीज सुखाना, मतलब अभी बंदर आ जाते हैं तो इनको भगाने के लिए यहाँ पर स्पेशली बैठना पड़ता है, तो इसीलिए मेरे को याद आ रही है, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो यहाँ पर बैठा करते थे। तो मैं भी आज इसी सोफे पर जो है बैठ कर गेहूँ की जगवाली कर रहा हूँ, उनको सुखा रहा हूँ, जहाँ पर मेरे पूज्य पिताजी बैठा करते थे। तो उसी के लिए जो है मैंने यहाँ पर बैठे बैठे अभी कुछ लाइन भी लिख डाली, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और अपने पूज्य पिताजी को याद करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार से हैं। घर भी उदास हुई उच्च तुम्हार जाने के बाद, हम जीवन लग्या छ यूं दिन तुम्हारी यादों का साथ। तुम्हारू होड़ो गौरमार रौनक की तरह थे, तुम्हारू जाड़ो रंगतों का रूठने की तरह छे। मी जड़ दो छो कि यू दस्तूर छ दुनिया को, पर दिल ते यकीन करने को तैयार नहीं छे कि तुम चली गई हमु छोड़ी करी, तुम चली गई हमु छोड़ी करी। तो यार याद तो आज बहुत छोड़ लगी, पर हम क्या कर सकता, एकमात्र याद ही कर सकता। बुटकोट की रोड, मतलब बुटकोट से मोलधार के लिए जो आती है। आज दिन भर मैं घर ही पे था, और अभी शाम का टाइम हो चुका है अब, और मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए थोड़ा सा रोड साइड, तो थोड़ा सा टहल के आता हूँ और दिखाता हूँ आपको आसपास का, जो रोड साइड के आसपास है हमारे गांव में नज़ारा। और उसके बाद जो है जाते हैं वापस घर पे, और जो गेहूँ जो मैंने जो है धान वगैरह जो भी बाहर सुखाने के लिए रखा हुआ था उनको रखना है अंदर, और उनको अंदर रखने के बाद फिर देखते हैं, क्या पता मैं छान जाऊं या ना भी जाऊं, तो जो भी होगा देख लेंगे। तो तब तक आप जो है हमारे साथ बने रहिए, और ये देख सकते हैं मौसम आज का कैसा हो रहा है यहाँ का, और दिखाते हैं अभी आपको और भी कुछ। ये देख सकते हो आप नज़ारा, ये घूम फिर कर ली है मैंने, अब मैं वापस जा रहा हूँ घर की तरफ, तो मिलते हैं फिर घर पे। ये भर दिए थैले में, अब इनको रखता हूँ अंदर, ठीक है, मिर्च भी रखनी है अंदर। ये है बच्चा पार्टी, सारे लोग खेल रहे हैं, ये पूरे गांव वाले
अभी हमारा डॉगी भी घर आ चुका है। आप आरबी से, आरबी हाय बोलो। हाय गाइस। बोल। बोले। दोबारा बोल। दोबारा। हाय गाइस। हो रहा है थोड़ा चाय पीने का, तो मैं चाय बना लेता हूँ और चाय पीते हैं। उबलने लग गई है चाय। चाय तैयार हो चुकी है और अब मैं चलता हूँ छत पे, और छत पे बैठ के इसे पीते हैं आराम से। इन बच्चों ने दिमाग ही खराब कर दिया है शोर कर करके। तो दोस्तों, आज का मेरा जो है पूरा दिन भर जो है घर पर ही गुजरा, और घर ही पर छोटे मोटे काम किए और अपने कुछ पर्सनल काम किए, और उसके बाद जो है अब शाम भी हो ही चुकी है और चाय की चुस्कियाँ मैं ले ही रहा हूँ। तो मैं चाय की चुस्कियों के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा टाटा बाय बाय, जय देव भूमि उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।